नमस्कार सर, मैं प्रतिभा गुप्ता कुंदन विद्या मंदिर लुधियाना से। सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि हमें हमेशा काम करवाने के लिए बच्चों के पीछे भागना पड़ता है, तो हम कैसे उन्हें सेल्फ मोटिवेटेड बना सकते हैं ताकि वे अपनी चीजें खुद करें। धन्यवाद। आप बुरा ना माने तो मैं जरा इस विषय में आपसे अलग राय रखता हूँ। मुझे लगता है कि बच्चों के पीछे इसलिए भागना पड़ता है क्योंकि उनकी रफ्तार हमसे ज्यादा है। ये बात सही है कि बच्चों को सिखाने की, बताने की, संस्कार देने की जिम्मेदारी परिवार के सबकी है, लेकिन कई बार बड़े होने के बावजूद हमें भी तो जरा मूल्यांकन करना चाहिए। हम एक सांचा तैयार कर देते हैं और बच्चे को उसमें ढालने की कोशिश करते रहते हैं और समस्या यहीं से शुरू होती है। हम इसे सोशल स्टेटस का सिंबल बना देते हैं। अक्सर माता पिता अपने मन में कुछ लक्ष्य तैयार कर लेते हैं, कुछ पैरामीटर बना लेते हैं और कुछ सपने भी पाल लेते हैं। फिर अपने उन सपनों और लक्ष्यों को पूरा करने का बोझ बच्चों पर डाल देते हैं। हम अपने लक्ष्यों के लिए बच्चों को जाने अनजाने में, माफ करना मुझे, मेरा शब्द कहीं कठोर लगेगा, जाने अनजाने में हम बच्चों को इंस्ट्रूमेंट मानने लगते हैं। और जब बच्चों को उस दिशा में खींचने में विफल हो जाते हैं तो ये कहने लगते हैं कि बच्चों में मोटिवेशन और इंस्पिरेशन की कमी है। किसी को भी मोटिवेट करने का पहला पार्ट है ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग। एक बार बच्चे का मन ट्रेन हो जाएगा तब उसके बाद मोटिवेशन का समय शुरू होगा। ट्रेनिंग के कई माध्यम, कई तरीके हो सकते हैं। अच्छी किताब, अच्छी मूवीज, अच्छी कहानियां, अच्छी कविताएं, अच्छे मुहावरे या अच्छे अनुभव, ये सब एक प्रकार से ट्रेनिंग के ही टूल्स हैं। जैसे कि आप चाहते हैं आपका बच्चा सुबह उठ करके पढ़े, आप उसे कहते हैं, बोलते भी हैं, डांटते भी हैं, लेकिन आपको सफलता नहीं मिलती। लेकिन क्या आपके घर में कभी ऐसी किताबों की चर्चा होती है जिसमें इनडायरेक्टली सुबह उठने के फायदों की चर्चा हो? हमारे यहाँ आध्यात्मिक जीवन के लोग ब्रह्म मुहूर्त से ही उनका दिवस प्रारंभ हो जाता है और वो उसी के नॉर्म्स का पालन करते हैं। तो दूसरी ओर आजकल 5 AM क्लब की भी चर्चा होती है। क्या आपने ऐसी किसी किताब की घर में चर्चा की है या कोई ऐसी मूवी या डॉक्यूमेंट्री देखी है जिसमें इस बारे में वैज्ञानिक तरीके से, तर्कबद्ध तरीके से, इमोशंस के साथ बातें बताई गई हो? ये एक बार करके देखिए। सुबह उठने के लिए बच्चे की ट्रेनिंग खुद ही हो जाएगी। एक बार मन ट्रेन हो गया, मन में बच्चा समझ गया कि सुबह उठने का क्या फायदा है, तो फिर वो खुद मोटिवेट होने लगेगा। यही तो एनवायरनमेंट क्रिएशन होता है जिसकी घर में सबसे ज्यादा जरूरत है। आप बच्चे के बचपन का वो समय याद करिए जब आप उसको गोद में लेते थे। मान लीजिए आपकी जेब में पेन है या आपने चश्मा पहना है, बच्चा उसे खींचता है, चश्मा उतारता है, तो आप क्या करते हैं? आप बच्चे को अगर
चश्मा वापस लेने की कोशिश करते हैं तो रोता है, पेन वापस लेने की कोशिश करते हैं तो रोता है। तो समझदार माँ बाप क्या करते हैं, उसको एक बड़ा बॉल उसके सामने खड़ा कर देते हैं, लेकर के खड़े हो जाते हैं। बच्चा क्या करता है, चश्मे छोड़ देता है, पेन छोड़ता है, बड़ा बॉल खेलने के लिए ले लेता है, न रोता है, आसानी से आप सॉल्यूशन निकाल देते हैं। आप उसका माइंड डाइवर्ट करके उसे ज्यादा पसंद की दूसरी पॉजिटिविटी देकर उसे मोटिवेट करते थे। ये जो काम आपने पहले किया है जब बच्चा बिल्कुल छोटा था, वही काम आप अब भी कर सकते हैं। आपने सुना होगा, एक दीप से जले दूसरा। आपका बच्चा पर प्रकाशित नहीं होना चाहिए, आपका बच्चा स्वयं प्रकाशित होना चाहिए। बच्चों के अंदर जो प्रकाश आप देखना चाहते हैं, वो प्रकाश उनके भीतर से प्रकाशमान होना चाहिए, और वो आपके जागरूक सक्रिय प्रयासों से संभव है। आप अपने एक्शंस में जो बदलाव दिखाएंगे, वो बच्चे बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करेंगे। यहां एक और बात की ओर मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा, बच्चों को कभी भी भय पैदा करके ये होगा तो ये होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, कृपा करके ऐसी कोशिश मत कीजिए। एक प्रकार से वो तरीका लगता तो बहुत आसान है, लेकिन इससे एक तरह से नेगेटिव मोटिवेशन की संभावनाएं बढ़ जाती है। जैसे ही आपने जो हवा खड़ा किया है वो खत्म हो जाता है, बच्चे का मोटिवेशन भी खत्म हो जाता है। और इसलिए पॉजिटिव मोटिवेशन साथ साथ बार बार पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट पर बल देते रहना चाहिए। मोटिवेशन का जो मंत्र बच्चों के लिए है, एक प्रकार से वो हम सबके लिए भी है, मनुष्य मात्र के लिए है।